गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज अजीत हियर। और क्लास 10 के हम लोग रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में आज का डिस्कशन है हमारा, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप पे, मतलब ओनरशिप के आधार पर, मालिकाना हक के आधार पर हम रिसोर्सेज को किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। हमारे पास कौन कौन से कैटेगरीज होंगे, कौन कौन से रिसोर्स अवेलेबल होंगे, उन सबको डिस्कस करें। अगर हम ओनरशिप की बात करें, ओनरशिप का मतलब होता है कि इसके सारे राइट्स या मालिकाना हक किसके पास, अब इसमें भी हमने लिखा है कि हम टोटल चार कैटेगरीज में हम ओनरशिप के हिसाब से रिसोर्सेज को डिवाइड कर सकते हैं। एक हुआ इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। इंडिविजुअल रिसोर्सेज का मतलब हुआ कि वैसे रिसोर्स जिनके ओनरशिपिंग किसी इंडिविजुअल के हाथ में, मतलब कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई इंडिविजुअल पर्सन हो जिसके हाथ में प्राइवेटली वो उसको ओन करता हो, तो उससे बोलते हैं इंडिविजुअल। जैसे कि आप एग्जांपल में लिखा है लैंड ओन बाय फार्मर्स, ठीक है, रिवेन्यू के अगेंस्ट जो गवर्नमेंट ने सारे फार्मर्स को अलॉट किया है लैंड, वो उनके इंडिविजुअल, अब उसके पर उसका पूरा अधिकार उसे फार्मर का होगा जिसे गवर्नमेंट ने अलॉट करा, ठीक है। आप वाटर वेल्स की बात करें, ठीक है, फिर पॉन्ड्स की बात करें, लैंड्स की बात करें, प्लांटेशन की बात करें, हाउसेज, प्लॉटेड्स, ये सारे चीज जो हैं वो इंडिविजुअल रिसोर्सेज के। कम्युनिटी रिसोर्स का मतलब है कि जो एक किसी स्पेसिफिक कम्युनिटीज या फिर एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स के द्वारा, मतलब कि एक बड़ी संख्या के लोगों के द्वारा, सबके द्वारा एक्सेस किया जाए, वैसे रिसोर्स को बोलते हैं कम्युनिटी। जैसे गाँव घर में देखते हैं बाग बगीचा हो गया, गार्डन्स हो गया, ठीक है, आप पब्लिक पार्क्स हो गए, पिकनिक स्पॉट्स हैं, प्लेग्राउंड्स हैं, आप कम्युनिटी रिसोर्सेज के लिए मंदिर मस्जिद को भी बोल सकते हैं। ये सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जहाँ पर एक ग्रुप, एक लोग किसी एक के अधिकार में नहीं है, वो कम्युनिटी पूरे पूरे उसे यूज कर सकते हैं, अपना मान सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेशनल रिसोर्स, तो ऑब्वियसली जो किसी नेशन से बिलोंग करता है, नेशन के रोड हो गए, कैनल है, रेलवे है, मिनरल्स है, वाटर रिसोर्स है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, और जो उसकी बाउंड्रीज में, जो आप मैप देखते हो नेशन के किसी जो मैप देखते हो, उस मैप के विद इन बाउंड्री में जो भी आया, ठीक है, उसको बोले नेशनल रिसोर्स। साथ साथ अगर बात करें तो टेरिटोरियल वाटर भी नेशनल रिसोर्स के विद इन है। टेरिटोरियल वाटर क्या होता है तो सुन लिया जाए, अगर आप बहुत सारे देशों के मैप को कंसिडर कीजिएगा तो देखिए, जैसे इवन भारत के पास देखिए, वो शायद मुंबई साइड हो, गुजरात साइड हो, या फिर नीचे में तमिलनाडु हो गया, ये सब सेक्शंस है, या फिर वेस्ट बंगाल के साइड में देखिए, इस सब सेक्शन में देखिए कि लैंड्स के खत्म होने के बाद वाटर सेक्शन चालू हो जाता है, मतलब वहाँ पर कोई दूसरा देश तुरंत इससे सटा हुआ नहीं, ऐसे नहीं कि इसकी बाउंड्रीज इंडियाज और ये सब के बीच में, क्या कि इसके बीच में लैंड आ, सॉरी वाटर आ, एक लंबी नदी आ रही होगी या छोटे छोटे सीज है, ओशंस है, ये सब। टेरिटोरियल वाटर का मतलब हुआ कि जो बेसलाइन है, बेसलाइन मतलब कि जो बाउंड्रीज बनाई गई है किसी देश के, उस बाउंड्री लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स, सॉरी आपके यहाँ पर शायद कैलकुलेट करके वैल्यूज को गलत लिखा है, 12 नॉटिकल माइल्स अप्रॉक्स 22 किलोमीटर होगा, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल्स तक की जो डिस्टेंस है, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक की डिस्टेंस है, वहाँ पर लीगली जो अथॉरिटीज हो, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, वो उस नेशन का होगा जिस बाउंड्री के 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर, मतलब कि अगर भारत के बाद बात करें तो बाउंड्री खत्म तो हो गई, बट 12 नॉटिकल माइल्स मतलब कि अप टू 22 किलोमीटर्स तक सारे के सारे राइट्स जो हैं, पब्लिक गुड्स, प्रॉपर्टीज राइट्स है, प्राइवेट एक्वायर करने की कोई चीज, कोई लीगल एडवाइजरी बोले, अर्बन डेवलपमेंट्स बोले, इन सब के राइट्स उसी देश के पास रहते हैं, और ये सेक्शन कहलाता है टेरिटोरी, ठीक है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल रिसोर्स की, तो इंटरनेशनल रिसोर्स मतलब करने का मतलब कि जो किसी का ना, ठीक है, अब किसी का नहीं होने का मतलब क्या है कि जब अगर आप ओशन की बात करें तो होता है कि भारत के बाद, भारत के बाद बहुत लंबी सात समुद्र तक पार, जो लोग बोलते हैं कि बड़े समुद्र है, ये बहुत सारे सेक्शन है जहाँ पर बहुत दूर दूर तक, हजारों किलोमीटर तक कुछ है ही नहीं, लैंड्स नहीं, कोई भी नहीं, ठीक है, तो उस केस में कहता है कि ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, पहले इस चीज को समझ, बेस लाइन के 200 किलोमीटर के रेंज को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोला जाता है, जहां तक क्या कर सकता है कि वहां पर बिजनेस राइट्स वगैरह पॉलिसी मेकिंग के लिए कहीं ना कहीं
जो देश है, कंट्रीज है, वो कुछ हद तक उसके राइट्स मेंटेन रहेगा, वहाँ पे एक्सक्लूसिवली बिजनेस को वो एक्सटेंड कर सकता है, वो इकोनॉमिकल जोन में आ गया, वहाँ के जो भी मिनरल्स होंगे, माइंस होंगे, सब कुछ होंगे, उसे वो यूज कर सकता है अपने हिसाब से, ठीक है। लेकिन अगर वो 200 किलोमीटर के बियॉन्ड है, ठीक है, अगर वो ओशियन में 200 किलोमीटर के बियॉन्ड है, तो वो इंटरनेशनल प्रॉपर्टी हुई, मतलब कि वहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल कंट्रीज विदाउट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे UNFI है, या फिर उनके बिना परमिशन के कोई भी अपनी एक्टिविटीज को नहीं कर सकते। इवन अगर भारत की भी बात करें, तो आप भारत के पास से क्या कि मैंगनीज के बहुत सारे इसमें पॉइंट्स हैं जहाँ पर से मैंगनीज को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, बट वो 200 नॉटिकल माइल्स से दूर है, ठीक है। जैसे इंडियन में ओशियन में वो 200 नॉटिकल माइल से दूर है, सॉरी 200 किलोमीटर से दूर है, जहाँ से वो उन मैग्नीज को नहीं निकाल सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का दबाव है और भारत उसमें नहीं कर सकता। तो ये जो क्षेत्र है, भले ही कोई देश नहीं है, बट वहाँ पे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का अधिकार हो गया, वो रिसोर्स का पूरी प्लानिंग इंटरनेशनल लेवल पर दिया देखा जाएगा, और किसी भी कंट्रीज का पर्टिकुलर वहाँ पर राइट्स नहीं। कुछ एग्जाम्पल्स में से आप देख सकते हैं कि क्या है, टेरिटोरियल सीज को हमने दिखाया है, ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन जो अप टू 200 नॉटिकल माइल्स बेस लाइन से है, सारा कुछ यहाँ पर दिखाया गया एग्जाम्पल इसके लिए। अब अगर देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट रिसोर्स को हम समझ रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्रेस के हिसाब से, डेवलपमेंट के हिसाब से देखें, तो डेवलपमेंट के हिसाब से भी हम रिसोर्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होगा पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि बहुत ही ज्यादा जहां पर आपको लगता है कि उम्मीद है कि यहाँ से ये सारा चीज मिलेगा, जैसे कि आप सीधा बात करें कि राजस्थान की बात करके, राजस्थान और गुजरात के बारे में आपको एग्जाम्पल दिया गया है कि वहां पर सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल, मतलब कि वहां पर क्षमता बहुत ज्यादा है, भले ही सरकार अपनी टेक्नोलॉजी और यूटिलाइज नहीं कर रही, मतलब वहां से ऐसा लगता है कि बहुत सारा एनर्जी जनरेट किया जा सकता है, सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, बट सरकार ने अभी पूरा पूरा डेवलपमेंट नहीं किया, मतलब गवर्नमेंट उसके बारे में कोई ऐसी पॉलिसीज या फिर प्लानिंग या ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज में नहीं ला रही है जिससे कि उन पूरा रिसोर्स का यूज कर सके। तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल, मतलब कि कुछ हद तक यूज में है और कुछ हद तक अभी बाकी है, लेकिन इतना पता है लोगों को कि ये यूज किया जा सकता है, टेक्निकल अपने पास है बट वो प्लान में नहीं। अगला है डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स का मतलब है जिस रिसोर्स को आप पूरी तरह से यूज कर रहे हो, ठीक है, जिस रिसोर्स को आप पूरी तरह से क्वालिटेटिवली क्वांटिटेटिवली पूरी तरह से यूज कर रहे हो, ठीक है, आपके पास टेक्निकल लेवल है, सारे मशीनरीज आपके पास है, सारी ऐसी टेक्निकलिटीज है जिससे कि आप फुल्ली फिजिबल तरीके से उसको यूज में लेके आ रहे हो और यूज कर रहे हो, तो वो कहलाएंगे डेवलप्ड रिसोर्स, ठीक है। अगर हम रिसोर्स में के बात करें तो एक है स्टॉक। स्टॉक का मतलब क्या हो जाता है कि रिसोर्स तो है, रिसोर्स एनवायरमेंट में वो अवेलेबल है, पोटेंशियल है उसमें कि बहुत सारे रिसोर्स मिल सकते हैं जो हमारे ह्यूमन बींग्स के नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास अप्रोप्रिएट टेक्निक्स नहीं है। जैसे कि लोग बोलता है कि अफ्रीकन फॉरेस्ट में क्या होता है कि शायद दुनिया के ऐसे बहुत सारे चीज राज्य हैं, रहस्य हैं जो लोगों को नहीं पता है, बहुत सारे चीज हो सकते हैं कि वहां पर मिले, बहुत सारे ऐसे थिंग्स हमें मिले जो कभी भी एक्सपेक्टेड नहीं, ठीक है, लेकिन कह सकते कि अगर हमारे पास कोई सही टेक्नोलॉजी नहीं है जिस तरह से उस रिसोर्स को यूज मिला, ये पता है कि उस जंगल में बहुत सारा एनर्जी है, बहुत सारे ऐसे रिसोर्स हैं जो हमारे पास इस वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस नहीं किए हैं, बट कैसे उन्हें पाया जाए, नो हाउ, कैसे उस टेक्निक्स तक पहुंचा जाए, कैसे उन रिसोर्स तक पहुंचा जाए, इसका कोई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नहीं हो, तो वैसे रिसोर्स सेक्शन जो हम होते हैं स्टॉक, मतलब फंसा हुआ, ठीक है, फंसा हुआ मतलब है, ठीक है, लेकिन गरा हुआ सोना है, तो सोना निकालना है तो कहीं घर में, बट कहाँ पर करें कि उस सोने को निकाल दें, तो वो सोना रिसोर्स है घर में, क्योंकि पुस्तों ने कहा है, पूर्वजों ने कहा है कि भाई घर में सोना गाय करके चल गए, बट वो सोना कहाँ पर है ये पता नहीं, मतलब हमारे पास एग्जैक्ट टेक्नोलॉजी नहीं है कि प्रेडिक्ट करें कि कहाँ पर है, और या सोने का घर बना दिया तो भाई अमीर तो हो, लेकिन खाने के लिए सोने का घर नहीं दे रहा, तो ये स्टॉक्स है जिसको यूज नहीं कर पा रहे रिसोर्स पे अवेलेबल होने के बाद। अगला सेक्शन है रिजर्व। रिजर्व की बात करें तो जैसे क्या होता है कि रिजर्व ऐसा है कि सिंपल सोचो कि कुछ रिसोर्स ऐसा होता है ना कि कंट्रीज के पास अपने पास लिमिटेड है, जैसे कि भारत के पास अगर बात करें ऑयल के बारे में बात करें, ठीक है, तो वो लिमिटेड है, कहीं ना कहीं वो हमें एक्सपोर्ट करना पड़ता है, दूसरे देशों से मंगाना पड़ रहा है सब कुछ,
अब क्या करता है कि कंट्रीज ने क्या किया है कि इंडियन आर्मी ने कुछ इतने सारे ऑयल्स को, डीजल्स, पेट्रोल्स या पेट्रोलियम्स को अपने लिए स्टॉक करके रखा, मतलब कि अपने लिए रिजर्व करके रखा है कि इनकेस किसी कारण से वॉर कंडीशन होती है, तो वॉर कंडीशन होने के बाद लोग क्या करेंगे कि पहले जो हमारे एनिमीज कंट्रीज होंगे वो पहले ये चाहेंगे कि हम पेट्रोलियम या फ्यूल ऑयल के सप्लाई को ब्रेक करें, मतलब उस चैन को ब्रेक करें जिससे कि यहाँ फ्यूल ऑयल पहुंचे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जितनी भी मशीनरीज हैं, जितने भी व्हीकल्स हैं कन्वेंस के लिए यूज करने वाले, हमारे पास जो भी साधन है वो क्या है, कहीं ना कहीं इन्हीं फ्यूल ऑयल से चलेंगे और वो पहले क्या करेगा उनकी सप्लाई को ब्रेक। ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या करता है कि अपनी रिसोर्स को समझ रहा है, नीड्स को समझ रहा है, तो उसने क्या किया कि एक लिमिटेड सर्टेन अपनी कैलकुलेटिव रखा है कि अगर इनकेस ब्रेक करता है, जैसे सपोज इंडियन आर्मी ने अपने पास इतना ज्यादा पेट्रोलियम्स को रिजर्व कर रखा है कि वो 5-7 साल तक भी अगर उन्हें नो सप्लाई दिया जाए तो वो अपने रिजर्व अकाउंट से पेट्रोलियम को निकाल करके 5-7 साल तक अपने सिस्टम को पूरी तरह से वर्क में रखेगा। मतलब क्या है, युद्ध की कंडीशन होने पर अगर सप्लाई बाहर से बंद भी हो गई तो वो अपने रिजर्व सप्लायर से अपने सारे ही मतलब चैनल को सप्लाई कर सकता है और हमें एक लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करने में मदद कर सकता है। ठीक है, हमारे पास इम्पोर्ट करने की जरूरत होती थी, सॉरी हम इम्पोर्ट करते थे, बट वो इम्पोर्ट करने के उस समय हमें सप्लाई बंद हो जाएगी, सप्लाई बंद होने के इसमें हम रिसोर्स को बचा कर, रिसोर्स मतलब क्या हो गया, एक सेविंग, सेविंग आप रखते हो क्या कि आपका पैसा, आप चाहते तो वो पैसा को खर्च कर सकते थे लेकिन आपने क्या कि बैंक में बचा रखा, किसी इमरजेंसी में करेंगे, किसी बीमारी में, किसी नया घर लेने में, बड़ा प्रोजेक्ट को पूरा करने में, तो यह कहलाया है रिजर्व। ठीक है, रिवर वाटर कॉन्वी जनरेटर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है, ये सारा चीज आपके नोट्स के लिए, ठीक है, आप नोट्स के लिए पढ़ सकते हो, पढ़ सकते हो, वीडियोस को पॉज करके पढ़ लो। अब है कि प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्स बाय मैन, बहुत ही जबरदस्त ये पॉइंट है, इस पॉइंट को थोड़ा समझते। कहता है कि अगर हम रिसोर्स की बात करें तो हमारे पास रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, ठीक है, और हम बेधड़ल्ले से सबको यूज कर रहे हैं, मतलब जो मिल रहा है जैसे मिल रहा है उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब इससे प्रॉब्लम क्या होगा उस बात को समझ। अब अगर आप सभी रिसोर्स को आग भर करके यूज करने जाओ, जैसे लोग आप बोलते हैं कि पेट्रोलियम मिल गया तो पेट्रोलियम निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ, यूज कर, ठीक है, जो चीज मिल गया उसको एकदम बिना इंडिस्क्रिमिनेशन के, बिना सोचे समझे उसको, बिना पर के, बिना खास मतलब लापरवाह की तरह, बेपरवाह एकदम बिना अंतर के हम यूज कर रहे हैं, तब उनसे प्रॉब्लम क्या होगा। पहला प्रॉब्लम है कि बहुत सारे रिसोर्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे रिसोर्स क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, कहीं ना कहीं वो लिमिटेड, ठीक है। अब दूसरी प्रॉब्लम सोच सकते हैं कि बहुत सारे रिसोर्स किसी लिमिटेड प्रॉब्लम लिमिटेड सोसाइटीज के लोगों के हाथ में चले जाए, मतलब कि रिसोर्सेज क्या है कि आप सीधा बात करो कि उनके हाथ में चला जाए, अगर आप बिना सोचे समझे करोगे तो किसी लिमिटेड एकोमोडेट कर देगा, एकोमोडेशन मतलब कि जमा हो जाना, मतलब कि सोसाइटी का एक लिमिटेड वर्क क्या करेगा, एक तरह के रिसोर्स को स्टॉक करना शुरू कर देगा, जमा करना शुरू कर देगा, या फिर किसी कारण से रिच लोग उसी की मार्केटिंग करके अनलिमिटेड तो ही रहा है, एकदम आराम से माइनिंग कर रहे हैं, सब कुछ निकाल रहे हैं, उसको मार्केट में करते जा रहे हैं, उनका अधिकार हो गया, पेट्रोलियम को किसी का अधिकार हो गया, तो अब उनके पास जैसे ही स्टॉक हुआ तो वो क्या करेंगे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को अपने हिसाब से उसके चार्ज रख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ये सारा चीज। ग्लोबल वार्मिंग, जी हाँ, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है, ओजोन लेयर डिप्लीशन आपको पता चला होगा, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जो रिसोर्स के इनडिस्क्रिमिनेट करने के कारण हुए, मतलब कि उनके लापरवाही के कारण, उनके बेपरवाह यूज के कारण। अब कहते हैं कि अगर रिसोर्सेज इस तरह से लापरवाह है तो उनको, उनके लिए क्या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रोग्राम रखा। सस्टेनेबल मतलब सीधा बात समझो कि आज हमारे पास जो भी है उसको हम यूज तो करें, यूज करने के लिए रोक नहीं है क्योंकि रिसोर्स है, हमारी नीड है, हमारी नीड है, हम इसी यूज करें, बट यूज करने के लिए मतलब कह रहा है क्या कि आप अपनी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को किसी तरह से प्रोग्राम करें कि इन्वायरमेंट डैमेज ना हो, ठीक है, और फ्यूचर जनरेशन को भी उसका फायदा। सीधा बात समझो कि अगर हमें क्या हुआ कि हमें पैसे बहुत सारे मिल गए तो ऐसा नहीं कि हमारे पैसे 5 करोड़ मिल गए तो हम क्या करें, ये यहाँ खर्चा, वहाँ खर्चा, वहाँ खर्चा, वहाँ खर्चा, वहाँ खर्चा, और पता चला कि चलो भाई हमारा कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए लगा ना कि हमने अपने आप अपने लिविंग एसेट को बहुत बढ़ा लिया, लेकिन कुछ पल के बाद अपने खाने के लाले पड़ गए, ठीक है, 5 साल बाद, 10 साल के बाद पूरी तरह से खत्म हो गया, सिस्टम ऑफ चल नहीं हुआ, ठीक है,
एसेट्स से क्या होता है कि रिसोर्स जो आपके पास आया, रिसोर्स आया, आपने उसको पूरा धराधर से यूज किया, खूब पैसा कमाया, खूब रिच हो गए, लेकिन उस रिसोर्स के कारण क्या हुआ कि इन्वायरमेंटल अनबैलेंसिंग हुई। अनबैलेंसिंग मतलब कोई चीज बहुत ज्यादा आ जाने से मार्केट में उसकी डिमांड घटने लग जाती है या फिर उसकी वैल्यूज घट गई। ठीक है, अगर पेट्रोलियम सब घर से कुआं से की तरह से निकल रहा है तो हो सकता है कि कोई पेट्रोलियम नहीं खरीदे, पेट्रोल प्रोडक्ट को इतना वैल्यू ना दे। और दूसरी चीज है कि अगर हर किसी को ये आजादी मिल जाए कि पेट्रोलियम को आप माइन करके नीचे से निकालते जाओ, धरती के अंदर से अगर मिल रहा है तो नुकसान क्या होगा कि हो सकता है कि आप इकोनॉमिकली रिच हो जाए कुछ पल के, देखिए कुछ पल के बाद आपकी नेक्स्ट जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन जो है वो फ्यूचर जनरेशन उसका लाभ नहीं उठाएगा। और सस्टेनेबल और डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि आप फ्यूचर को सोच लीजिए कि फ्यूचर भाई हमारा फ्यूचर भी उसका फायदा उठाए। वर्तमान में किसी भी रिसोर्स के लिए आप अगर प्रेजेंट में हैं तो प्रेजेंट में उससे लाभ पहुंचे, हमें लाभ प्रॉफिट हो, ये टारगेट हो, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन्वायरमेंटल डैमेज हो या फिर फ्यूचर उससे इफेक्टेड हो रहा। ठीक है, तो आज इस छोटे से वीडियोस के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी सारे डिस्कस करेंगे जल्दी ही। तो ये पहला अपन टाइप का मैंने वीडियोस को प्रिपेयर कराया, इसमें सकता है बहुत सारा कंफर्टेबिलिटी लेवल भी धीरे धीरे करके आएगा। इनकेस कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, हम वहाँ से उस चीज़ को देखेंगे। थैंक यू।